कहाँ घुसे थे और कहाँ निकल गए। ये देखिए ऊपर ऊपर मुश्किल हो रहा है और यहाँ से हम लोग बाहर निकल रहे हैं दोस्तों, लेकिन यहाँ पे चलना भी काफ़ी मुश्किल है और हम लोग चल चुके हैं। आज मैं आप लोगों को रांची के ऐसे जगह पर लाया हूँ जहाँ पे बहुत ही कम लोग आते हैं दोस्तों। ये पुंडाग में स्थित है और इसका नाम है, वो देखिए दोस्तों जो दिख रहा है वही है, इसका नाम है बागलता टुंगरी। ये टुंगरी पहले विख्यात नहीं था लेकिन अब इसको काफ़ी लोग जानने लगे हैं, लेकिन अभी भी इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो मैं आप लोगों को आज बागलता टुंगरी करके दिखाऊँगा। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये बागलता टुंगरी और वहाँ पे एक गुंबद टाइप का बना हुआ है बैठने के लिए, वो काफ़ी शानदार और बहुत ही अच्छा जगह है। वो उस जगह पे हम लोग चलेंगे और देखेंगे ये बागलता टुंगरी किस तरह से है। वहाँ पे एक गुफा भी है और ये टुंगरी पे है, इसीलिए इसको बागलता टुंगरी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पहले बाघ भी रहा करता था। तो आइए दोस्तों आज चलते हैं बागलता टुंगरी और देखते हैं इसका नज़ारा, ऊपर से चारों ओर का नज़ारा देखेंगे, रांची का खूबसूरत सीन भी दिखाई देगा। तो आइए दोस्तों आज आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों बागलता टुंगरी पार्क के अंदर हम लोग आ चुके हैं और अगर इधर इधर अगर देखते हैं तो देखिए दोस्तों बहुत ही जंगल है। आप यहां पे अकेले आइएगा तो डर लगेगा, आप दिन में आइए, फैमिली के साथ में आइएगा और यहां पे घूमिएगा तो आपको यहां पे काफ़ी मज़ा आएगा। लेकिन आप अगर यहां पे गलती करते हैं, अगर अकेले आते हैं या तो फिर शाम के वक्त आते हैं तो काफ़ी दिक्कत हो सकता है। यहां पे बहुत ही जंगल झाड़ है और यहां पे लोग भी शाम में नहीं रहते हैं। दिन को अगर आप यहां पे आते हैं तो आपको यहां पे लोग भी दिखेंगे, ये पार्क आपको खूबसूरत भी लगेगा। शाम के समय काफ़ी डरावना है। आइए आगे बढ़ते हैं और बागलता जो कि गुफा है वहाँ पे हम लोग चलेंगे और फिर हम लोग वो जो बैठने के लिए गुंबद बना हुआ है वहाँ पे जाकर देखेंगे। अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो आपको चारों ओर लोग आते हैं, इसीलिए यहाँ पे बैठने के लिए यहाँ पे चेयर बनाया हुआ है। आराम से लोग अगर थक जाते हैं तो घूमते घूमते तो यहाँ पे बैठ सकते हैं। और चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों यही जो गुंबद है बहुत ही खूबसूरत, ऐसा लग रहा है कि कोई राजा महाराजा ने उस गुंबद को बनवाया है, इतना खूबसूरत इतना बढ़िया डिजाइन किया हुआ है। चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे
उस गुंबद को और वहाँ पे बैठ के भी देखेंगे, बहुत मज़ा आएगा लग रहा है। और उससे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे एक तालाब है, यहाँ से बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। सभी कोई जानते हैं कि पानी सभी को खूबसूरत का अच्छा लगता है दोस्तों, पानी में जाना, पानी छूना सभी को अच्छा लगता है। इसीलिए मैं यहाँ से आप लोगों को तालाब का नज़ारा भी दिखा दे रहा हूँ, ताकि आप लोग आए नहाने का मन करे तो आप नीचे जाके नहा भी सकते हैं। बस अब आप लोग थोड़ा सा सब्र कीजिए दोस्तों, बस मैं और सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर हूँ यहाँ से गुंबद तक पहुँचने में। आइए देखते हैं, देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है। ये देखिए दोस्तों, बागलाता टुंगरी का ये गुंबद कितना खूबसूरत लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि प्राचीन ज़माना में कोई राजा महाराजा ने इस गुंबद को बनवाया है और बना के छोड़ दिया है, ताकि आने वाला पीढ़ी इस गुंबद को देख सके। देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है यहाँ से, कितना खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है ये गुंबद। यहाँ पे नीचे में बैठने के लिए भी बनाया हुआ है ये गुंबद। यहाँ पे करीब 15 आदमी आराम से बैठ सकते हैं और यहाँ पे नाश्ता कर सकते हैं, कुछ खा पी सकते हैं। और यहाँ पे अगर मैं इधर आपको दिखाता हूँ तो कई लोग यहाँ पे आए हुए हैं और पिकनिक भी मनाए हैं। आप यहाँ पे दिन में आसानी से आ सकते हैं और इस पार्क का मज़ा ले सकते हैं, लेकिन अगर आप शाम में आते हैं तो आपको दिक्कत हो सकता है दोस्तों। ये ऊपर में काफ़ी जंगल है और लोग भी यहाँ पे नहीं रह पाते हैं, और यहाँ पे बैठने के लिए सब जगह बनाया हुआ है, ताकि आप चारों तरफ घूम के अगर थक जाते हैं तो आराम कर सकते हैं, या तो फिर कुछ खाने के लिए यहाँ पे ले के आ सकते हैं और यहाँ पे बैठ के मस्ती कर सकते हैं, खा सकते हैं, पिकनिक बना सकते हैं। और ये देखिए दोस्तों, इधर काफ़ी जंगल है, उस जंगल तरफ आप लोग ना घुसे तो ही अच्छा है। और चलिए मैं आप लोगों को घुस के दिखाता हूँ। और कहा जाता है कि अंदर में ये गुफा भी है, उस गुफा को खोजते हैं। कभी हम लोग यहाँ पे आए नहीं हैं इसीलिए पता नहीं है, लेकिन आप लोग को दिखाने के लिए चलिए उस गुफा के अंदर घुसते हैं, देखते हैं कि आखिर क्या बात सही है। यहाँ पे पहले बाघ रहा करता था, इसीलिए इसको बागलाता के नाम से जाना जाता है। और सुने हैं कि काफ़ी डरावना भी है वो गुफा। चलिए देखते हैं उस गुफा के अंदर, गुफा की ओर जा रहे हैं, लेकिन काफ़ी झाड़ी और जंगल भी है। और ये देखिए मेरे साथ में ये देखिए मेरे साथ में सूरज है। और सूरज कैसा लग रहा है, डर लग रहा है क्या? डर तो लग रहा है। क्या हम लोग गुफा की ओर जाने सकेंगे? कोशिश करने से तो जाएंगे। हाँ चलिए दोस्तों, कम से कम अगर हम लोग कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को अभी पता नहीं है कि ये गुफा किस तरफ है। आइए चलते हैं और गुफा को खोजते हैं। सिर्फ मैं ये गुफा की तरफ जा रहा हूँ ताकि आप लोग वीडियो में आसानी से देख सकें, लेकिन आप लोग ये गलती मत कीजिएगा दोस्तों, गुफा की ओर मत आइएगा, काहे कि कुछ भी हो सकता है, काफ़ी डरावना भी है और जंगल झाड़ के बीच में भी है। इसीलिए गुफा में आप लोग नहीं घुसिएगा तो ही अच्छा रहेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि मैं आप लोगों को इसी तरह का वीडियो हमेशा लाते रहूँगा। हम लोग उस गुंबद के बाद काफ़ी झाड़ी और जंगल के बीच पार किए दोस्तों, और मैं जिस चीज़ का तलाश कर रहा था वहाँ तक पहुँच चुका हूँ दोस्तों। और मैं काफ़ी डेंजर जगह, जिसमें कि लोगों को आना नहीं चाहिए, उस जगह पे मैं घुस रहा हूँ दोस्तों। ये काफ़ी डेंजर है और कहा जाता है कि यहीं पे बाघ पहले रहा करता था, लेकिन अभी का तो पता नहीं। तो आइए इस बाघ लता, जिसको बोला जाता है, उसके अंदर मैं घुसता हूँ। काफ़ी डेंजर है, डरावना है और काफ़ी पतला ये है दोस्तों। आइए अंदर घुसते हैं। ये देखिए दोस्तों कितना डरावना है और डर लग रहा है दोस्तों, काफ़ी पतला भी है और कुछ भी यहाँ पे निकल सकता है, सांप, भालू और शेर, बाघ, कुछ भी निकल सकता है। देखिए दोस्तों कितना डेंजर है। और मेरे साथ में सूरज है, वो पहले ही यहाँ पे घुस चुका है,
ये देखिए दोस्तों अंदर घुस रहे हैं और देखिए कितना पतला है और ये लग रहा है कि बाघ के लिए बना हुआ था। और अगर यहाँ से अगर देखा जाए तो बाहर हम लोग निकलने का भी जगह है और घुसने में भी काफ़ी दिक्कत हो रहा है। अंदर घुस चुके हैं और ये देखिए उधर उधर और भी उधर भी है लेकिन लाइट सही से नहीं आ रहा है। अगर इधर से हम लोग अंदर घुस के बाहर भी इधर से निकला जा सकता है लेकिन यहाँ इसके बाद अगर हम लोग घुसते हैं तो बाहर निकलना मुश्किल है। हम लोग का जो शरीर है वो काफ़ी मोटा है और उधर पतला है अंदर, लेकिन लग रहा है कि लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे घुस चुके हैं। ये देखिए दोस्तों उधर जो दिख रहा है उधर से साइड से निकला भी जा सकता है, अंदर भी है, काफ़ी डरावना है। सूरज आइए दोस्तों अंदर घुसते हैं पूरा, काफी मुश्किल हो रहा है, कुछ लग रहा है कि कोई यहाँ पे आते हैं, पहले भी आए हैं। और इधर से हम लोग ये देखिए दोस्तों कहाँ घुसे थे और कहाँ निकल गए। ये देखिए ऊपर ऊपर मुश्किल हो रहा है और यहाँ से हम लोग बाहर निकल रहे हैं दोस्तों, लेकिन यहाँ पे चढ़ना भी काफ़ी मुश्किल है और हम लोग चढ़ चुके हैं। आ जाओ आ, ये देखिए दोस्तों इधर घुसे थे और कहाँ निकल गए और अभी तक वीडियो दिखा दे रहा हूँ, सूरज है वो अभी तक निकला नहीं है। ये देखिए दोस्तों ये निकल रहा है अंदर से, इसको मुझे मदद करना चाहिए ताकि आसानी से चढ़ सके। आ आ जा, ये देखिए देख लिए दोस्तों कितना कितना डेंजर है ये बाघ लता। हम लोग कहाँ घुसे थे और कहाँ पे निकले, इसीलिए इसको बाघ लता कहा जाता है। और यहाँ पे रियली में बाघ जरूर रहता होगा, काफ़ी डेंजर है और यहाँ पे कोई घुसना नहीं चाहेगा, लेकिन हम लोग घुसे ताकि आप लोगों को इस वीडियो के जरिए दिखा सकूं। अगर आप लोग यहाँ पे आइएगा तो बस केवल चट्टान पे चढ़ के यहाँ का मज़ा लीजिएगा दोस्तों, बाघ के अंदर नहीं घुसिएगा तो ही अच्छा होगा। और ये देखिए ऊपर में सबसे ऊपर में चट्टान के सबसे ऊपर में है और यहाँ से पूरा रांची का नज़ारा भी दिख रहा है, बड़े बड़े बिल्डिंग भी यहाँ से दिख रहे हैं। अगर हम लोगों का वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो आप लोग ज़रूर एक बार लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि मैं आप लोगों के लिए हमेशा इसी तरह का वीडियो लाते रहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।